वट एक्जैक्टली इज ए प्रोविजन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन आंसर आता है कि प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी लाइबिलिटी विथ अनसर्टेन टाइमिंग एंड ऑब्लिक और अनसर्टेन अमाउंट मतलब प्रोविजन एक ऐसा लाइबिलिटी का नाम है जिसमें या तो टाइमिंग अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन है या दोनों अनसर्टेन है एकदम श्योर शॉर्ट नहीं है कि कब कब पे करना है और कितना पे करना है इसमें अनसर्टेनिटी है अब अगर अनसर्टेनिटी है तो एस्टिमेट करना पड़ेगा बिफोर राइटिंग इट इन द बैलेंस शीट सर्टेन हो तो फिर अमाउंट ही पता है तो डायरेक्टली लिख लो पांच लाख रुपया सर्टेन है चार साल बाद देना है तो पीवी निकाल के लिख लो सर्टेन है विद इन वन ईयर देना है तो आपको अमाउंट मालूम ही है बिना पीवी निकाल के लिख लो यही तो रूल बोलता है ना लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारी आज की क्लास में कि हम एक ऐसा लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो लाइबिलिटी तो है वी ऑल बिलीव दैट इट इज अबिलिटी बट आइदर द टाइमिंग इज अनसर्टेन और दी अमाउंट इज अनसर्टेन और बोथ आर अनसर्टेन तो वन थिंग इज क्लियर कि इंस्टीट्यूट का बोलना है कि क्योंकि अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व आपको एस्टिमेट यूज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स अमाउंट बिफोर यू रिकॉर्ड इट इन योर बैलेंस शीट दूसरी बात अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम प्रोविजन का बात करें ना तो आपके लिए बेटर होगा समझना आप ऐसा करके पकड़ो कि आपको याद एक डिकमीशनिंग लाइबिलिटी हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जाम्पल लेकर के याद है कि हमने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है पचास साल के बाद हमको उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा तो हम उसका लाइबिलिटी का रिकॉर्डिंग करेंगे इन डे सिक्सटीन में हम लोग पढ़े थे वो इन डे सिक्सटीन ने आपको डिकमिशनिंग लाइबिलिटी के बारे में तो जरूर बताया था बट एग्जैक्टली exactly उसको एस्टिमेट करने का तरीका बाकी सब कुछ इंडेज थर्टी सेवन बताता है मतलब इंडेज थर्टी सेवन में भी डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का जिक्र है ओके okay? नाउ, लेट्स सी की इंडे थर्टी सेवन प्रोविजन के बारे में बेसिकली बिगिनिंग पहला आज पहला क्लास में वो क्या क्या बोलता है वो पहला बात बोलता है कि पहले आप पता करो कि जिसको आप लाइबिलिटी बोल रहे हो कि प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी दैट एज आइदर अनसर्टेन अमाउंट और अनसर्टेन टाइमिंग वो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है क्योंकि अगर लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो इन डेज क्लियर है कि वो उसको बुक्स में या बैलेंस शीट में लिखने नहीं देगा अमाउंट कम बेसि अलग बात है बट लाइबिलिटी को एग्जिस्ट करना जरूरी है देयर हैज टू बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट उन्होंने बोला कि हम प्रोविजन को बुक्स में तभी लिखने देंगे अगर आपको लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो आप तीन बातें कंफर्म करिएगा वन देयर मस्ट बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट क्या बोला फिर से देयर मस्ट बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट हम एनालाइज करेंगे बहुत देर लगेगा इसको एनालाइज करने में लेकिन इन अपनी तरफ से अपना बात क्लियर करके रखा है कि प्रोविजन अगर बुक्स में आएगा तो आपके माथे में एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रहना चाहिए जो कि किसी पास्ट इवेंट से अराइज होना चाहिए अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं हम लोग मोबाइल खरीद के लाते हैं कंपनी हम लोगों को वारंटी देता है देता है ना विद इन वन ईयर अगर हम लोग रिपेयर कराने जाएंगे माल खरीदने के बाद खराब होता ही है, तो वो लोग फ्री में रिपेयर करके देता है नाउ टेल मी कि कंपनी थर्टी फर्स्ट मार्च को बैठ के ट्वेंटी टू ये डिसाइड कर रहा है कि मेरा कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस टेलीफोन को लेकर के जो हमने बेच दिया जो नहीं बेचा उसको लेकर के बात नहीं है पर जो हमने बेच दिया उसका कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है किसी तरह का माथा में ऑब्लिगेशन है या नहीं है अगर है तो ऐसा क्या पास्ट इवेंट हुआ था जिसकी वजह से ये ऑब्लिगेशन आपके माथे पे एग्जिस्ट करता है और अगर ऐसा करता है तो आप एक कंडीशन फुलफिल कर लिए कि भाई हां प्रोविजन बुक्स में रिकॉर्ड होगा बट अभी और बहुत सारा कंडीशन फुलफिल करना है बिफोर यू रिकॉर्ड द प्रोविजन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट सबसे पहला है कि इज देयर ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम अ पास्ट इवेंट तो आप मुझे बताओ क्या वारंटी ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन क्या इट इज देयर एट प्रेजेंट इन योर हैंड व्हाट डिड यू डू कि तेरे माथे पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आया ट्रिगरिंग so इवेंट बोलते हैं हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं ट्रिगरिंग इवेंट जिसके कारण आपके ऊपर आया तो कोई तो इवेंट ने इस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को ट्रिगर किया होगा दास्ट इवेंट और उस पास्ट इवेंट ने आपके लिए क्या ट्रिगर किया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज ट्रिगर्ड बाई ए पास्ट इवेंट कॉल्ड सेल

यस देयर एग्जिस्ट ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दट हैजराइजन फ्रॉम पास्ट इवेंट तो आप यह समझो कि ठीक है एक लाइबिलिटी तो एग्जिस्ट करता है बिकॉज लाइबिलिटी मतलब ई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अच्छा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब कभी भी यह नहीं होता है कि जाओ अभी पे करके आओ नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है माथे में टेंशन है यू गॉर्ड द पॉइंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब नहीं कि परफॉर्मेंस हैज टू बी डन टूडे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि परफॉर्मेंस हैज टू बी डन एंड दैट वी नो ऑन टूडे क्या बोला फिर सुने फिर से बोले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब ये नहीं है परफॉर्मेंस हैज टू बी डन टूडे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि वी नो दैट देयर इज ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन टूडे परफॉर्मेंस में हैव टू हैपन इन फ्यूचर मतलब माथे में टेंशन है आज ही काम करना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है पर माथे में टेंशन अब जैसे मैं तो सिंपल सा बात बताता हूं कि मैं जब रात को सोता हूं तो मेरे माथे में एक टेंशन होता है कि मेरे को सुबह पांच बज के तीस मिनट पर उठना है साढ़े छह बजे तक रेडी हो जाना है निकल जाना है सात बजे जाके क्लास लेना है ऑब्लिगेशन है कि नहीं है मेरे माथे पे आप हमको बताओ है ना तो यह क्यों है क्योंकि मैंने सीए फाइनल के बच्चों से ट्यूशन फीस लिया है मुझे उनको पढ़ाना पड़ेगा जाकर के यू घट द पॉइंट सो कोई तो ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मैंने कोई तो ऐसा पास्ट इवेंट हुआ होगा जिसने एट्री कोविड में नहीं था उस समझ एक छह महीना तक साल भर तक हम लोगों को लाइव क्लास आकर के लेने का जरूरत नहीं था पेनड्राइव क्लास ही चलता था पैसा तो तब भी लिए थे